Hi friends, how are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. English literature की सीरीज में आज हम बात करेंगे आर के नारायण जैसे मशहूर नॉवलिस्ट के सबसे पॉपुलर नॉवल द गाइड की कहानी के बारे में. फ्रेंड्स, 1958 में ये नॉवल पब्लिश हुआ और शायद इंडिया में लिखा गया जो भी इंग्लिश लिटरेचर है, द गाइड इज सपोज टू बी द मोस्ट पॉपुलर नॉवल. इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स. कहानी सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना सबसे पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी. ओके, तो फ्रेंड्स ये कहानी है राजू नाम के एक गाइड की जो मालगुडी नाम के स्टेशन पर लोगों को उस जगह का मालगुडी का भ्रमण कराता है, विजिट कराता है और उसके पैसे से अपना घर और परिवार चलाता है. अचानक उसकी लाइफ में एक खूबसूरत इंसिडेंट होता है. एक दिन ट्रेन से रोजी नाम की खूबसूरत महिला उतरती है, उसके साथ में थोड़ा उम्र दराज उसका हस्बैंड है मिस्टर मार्को जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है. रोजी को देखकर राजू का दिल धड़क जाता है. हम कह सकते हैं इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, पहली ही नज़र में मोहब्बत हो जाती है जनाब. कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे राजू और रोजी की मुलाकातें बढ़ती हैं, रोजी राजू को बताती है कि उसने मार्को से शादी उसके पैसे के लिए की. तो ये और मौका मिलता है राजू को रोजी के नज़दीक जाने का. तो इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती चली जाती है. मार्को जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, साथ ही साथ एक स्कॉलर भी है, ज़्यादातर अपना वक्त वो लाइब्रेरी में बुक्स के साथ बिताता है. उसे पढ़ने का बड़ा ही शौक़ है और रोजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है. उसे बनना संवरना, पार्टीज अटेंड करना, खूबसूरत दिखना, घूमना अच्छा लगता है और सबसे इंटरेस्टिंगली उसे डांस बहुत पसंद है. राजू रोजी की इस आर्ट पर फिदा हो जाता है और उसे डांस की प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करता है. कुछ दिनों के बाद राजू रोजी के साथ मिलकर एक थिएटर कंपनी खोलता है. इसका है ये बड़े बड़े शो कराने लगती है और बहुत जल्दी पूरे देश में रोजी नलिनी के नाम से मशहूर हो जाती है और ढेर सारा पैसा वो कमाने लगते हैं. इस दौरान राजू लगातार लालची होता चला जाता है. वो अधिक से अधिक प्रोग्राम्स की बुकिंग कर लेता है और अब रोजी के लिए उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है. रोजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. वो राजू से मिलती है, राजू की ज़िंदगी में आई है मोहब्बत पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन को दूर करने के लिए. जबकि हुआ कुछ ऐसा है कि राजू उसे नोट छापने वाली मशीन समझ रहा है और ये बात रोजी को पसंद नहीं है. इस तरह दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं और आखिर में एक दिन राजू एक घटना के लिए जेल चला जाता है. वहाँ वो 2 साल रहता है. इस दौरान उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं. फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर आसरा लेता है, एक मंदिर में जाकर. वहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो कोई स्वामी है, संत है, बड़े बाल हैं, बड़ी दाढ़ी हैं. और इस तरह उसकी ज़िंदगी एक नए सफ़र पर चल देती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द नॉवल इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मैन टू अ स्पिरिचुअल पर्सन. कुछ दिनों में राजू का सम्मान और आदर लोगों में बहुत बढ़ जाता है. लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और राजू चूँकि वो कम्युनिकेशन स्किल में माहिर है, लोगों से बात करना उसे अच्छे से आता है और एक तरह से वो जन्मजात गाइड है. वो लोगों को अच्छे से टैकल करता है और उसका सम्मान, उसका आदर, उसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ जाती है. कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी में एक और पड़ाव आता है जो बड़ा ही अहम है. बहुत सालों से उस जगह पर बारिश नहीं हुई है. वहाँ के लोग सलाह देते हैं राजू को कि वो उनके लिए फास्ट रखे. ऐसी वहाँ की मान्यता है कि वहाँ जो सबसे पवित्र व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है, संत है, स्वामी है, अगर वो ऐसा करता है तो ईश्वर उससे प्रसन्न होकर वहाँ बारिश करा सकते हैं.
अब ये राजू की जिंदगी का चैलेंज है, और ये चैलेंज है एक ऑर्डिनरी मैन का, जो उसने स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का एक जो आवरण ओढ़ा है उसको सही प्रूव करने का, उसे जस्टिफाई करने का। एंड राजू एक्सेप्ट द चैलेंज वेरी ब्रेवली, बड़ी बहादुरी से इसका वो सामना करता है, बहुत लंबा फास्ट रखता है। इस दौरान रोजी भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन एक परेशान जिंदगी से उदास महिला के तौर पर, जो शांति की तलाश में एक बहुत ही पहुँचे हुए स्वामी, इसके बारे में उसने सुना है, से मिलने आई है, उसे पहचान लेती है, लेकिन वो इस बात को समाज को जाहिर नहीं होने देती। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है फ्रेंड्स। तो वी कैन से दैट सच स्वीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, राजू द गाइड एंड रोजी द डांसर। इन द एंड वी कैन सी दैट राजू हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ वर्दी टू बी अ सेंट। वो फास्ट कंटिन्यू रखता है, बहुत बुरी हालत उसकी हो जाती है, मौत के कगार पे पहुंच जाता है। कहानी के एंड तक ये क्लियर नहीं किया राइटर ने कि उसकी डेथ होती है या नहीं, और लास्ट में हम देखते हैं बारिश जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों द गाइड पर एक बहुत ही खूबसूरत मूवी भी बनी है इसी नाम से, इसमें देव साहब ने काम किया है, एंड दिस इज़ द कल्ट मूवी। आप चाहे तो उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय।